तो अगर आपको आपके कीपैड वाले फोन में, अगर आपके पास कोई भी कीपैड वाला यानी बटन वाला इस तरीके का फोन है, इसमें आपका जो ये स्पीकर है यहाँ पर, इससे आवाज ही नहीं आ रही है। आ भी रही है तो बहुत स्लो आ रही है। आप रेडियो एफएम ऑन करते हैं या फिर किसी से कॉल पे बात करते हैं तो आपको यहाँ पर आवाज ही नहीं सुनाई देती है। तो हम इसे किस तरीके से सही कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मेन्यू पे आपको यहाँ पर चले जाना है। मेन्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स में आ जाना है और उसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे प्रोफाइल्स का ऑप्शन डिस्प्ले के जस्ट ऊपर। इसे हम ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत से लोग गलती क्या कर देते हैं, वो साइलेंट पे क्लिक कर देते हैं, साइलेंट, और साइलेंट होने की वजह से उनकी आवाज़ नहीं आती है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, बहुत सी बेसिक चीज़ है लेकिन सबको पता होता है। लेकिन आपको यहाँ पर हमेशा नॉर्मल पे रखना है और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस पे आना है और चाहे तो आप ओके कर सकते हैं यहाँ से, या तो आप दो नंबर दबाएंगे तो भी ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम का जो ऑप्शन आपको दिखता है, नीचे आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखिए मैं आगे पीछे नहीं करूँगा, आप यहाँ इस बटन से वॉल्यूम कम कर सकते हैं, इस बटन से वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टोन बजने लगेगी जो कि कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए मैं नहीं बजाऊँगा। तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखना होगा आपकी वॉल्यूम कम यहाँ से ना हो, नहीं तो यहाँ से कम होती है इसलिए आपको आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर फिर भी आपका नहीं आ रहा है, फिर भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो आपको यहाँ पर सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर आपको लास्ट में रीसेट का ऑप्शन दिखता है। रीसेट करने से पहले आपको यहाँ पर रीसेट सेटिंग सिर्फ करना है, पूरा मास्टर रीसेट नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ आपको रीसेट सेटिंग ऊपर फर्स्ट वाला करना है। दिस विल रीसेट ऑल सेटिंग्स एक्सेप्ट दोज रिलेटिंग टू योर पर्सनल डेटा। तो यहाँ पर जो भी गलत सेटिंग होगी वही डिलीट होगी, यहाँ पर आपका कोई कॉन्टैक्ट, कोई डेटा कुछ डिलीट नहीं होगा। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। देखिए ये हो गई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अगर आपके स्पीकर में पानी गया होगा या पानी गया होगा या फिर ये गिरा होगा तो इसका वायर हिल सकता है, तो इसके लिए आपको मोबाइल की रिपेयरिंग शॉप में ले जाना होगा। वो आपका 150 से 200 रुपये लेंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कॉमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।